छोड़ा जाता है, फिर अश्रु गैस छोड़े जाते हैं। यहाँ इतने बड़ा हजारों के तादाद में आंदोलनकारी पहुंचे थे, कोई व्यवस्था नहीं, उसने जो था कितना भी पता नहीं कि क्या करना चाहिए। वो तो आरोप लगा रहे थे कांग्रेसी आंदोलन, कांग्रेसी है तो प्रमाण बताए। वो तो पूरा भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित आंदोलन था, फाइनेंस उसके द्वारा किया गया था, चाहे वो जो ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी के, जो टेंट लगाए वो भारतीय जनता पार्टी के, जो भोजन व्यवस्था की वो भारतीय जनता पार्टी के, मन संचालन कर रहे हैं वो सरकारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी का है। ये जो आंदोलन हुआ और इस प्रकार से समाज को बांटने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, उसके द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आप देख लीजिए, जब अभी एक फोटो देखें आप, बिलासपुर हो चाहे रायपुर हो चाहे गृह मंत्री का क्षेत्र संवर्धा हो, 23-23 बलात्कार और हत्याएं, दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ी है, और स्थिति ये है के आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट में घुस के कलेक्ट्रेट को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे जला रहे हैं, इससे ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति कभी नहीं। आप मान करते हैं सरकार से सरकार से विश्वदेव साहब एक मिनट की रहने का अधिकार नहीं।